लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर चुनाव आयोग लगातार लोगों से मतदान करने की अपील कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम ने गुरुवार को मेरा यूपी मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की। इसके तहत सभी जिलों में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि हजरतगंज स्थित टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग से मेरा यूपी मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में एडिशन चीफ सेक्रेटरी सूचना एवं प्रसारण नवनीत चीफ गेस्ट और सीएम के ओएसडी डॉक्टर रहीस सिंह वशिष्ठ अति के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आरजे प्रतीक ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों से यूपी से जुड़े चुनाव को लेकर सवाल जवाब किए और वोट करने की अपील की। रेडियो मिर्ची के यूपी बिहार कंटेंट हेड आफताब आलम ने बताया कि इस अभियान का मकसद लोगों के मन में अपने प्रदेश यूपी के प्रति प्रेम और गौरव को बढ़ाना है। उन्होंने कहा, जब लोग अपने राज्य से प्रेम करेंगे तो गौरव महसूस करेंगे, तो अपने कर्तव्यों को समझेंगे और वोट देने के लिए निकलेंगे। यह अभियान रेडियो मिर्ची के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑन ग्राउंड भी चलाया जाएगा। वहीं टाइम्स ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट धनुजवीर सिंह ने कहा कि इस पहल के तहत लखनऊ से 7 कंटेनर यूपी के सभी जिले में जाएंगे और लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि एडिशन चीफ सेक्रेटरी सूचना एवं प्रसारण नवनीत सहगल ने रेडियो मिर्ची के इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशासन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई अभियान चला रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर किसी अन्य संस्थान की ओर से चलाए जाने वाला यह पहला अभियान होगा। उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील करने के साथ रेडियो मिर्ची और टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि सीएम के ओएसडी डॉक्टर रहीस सिंह ने कहा कि 18 से ऊपर के हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझना चाहिए और अपने दायित्व को निभाते हुए वोट करना चाहिए। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल में टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम के एडिटर स्टाफ मीडिया कर्मी के साथ रेडियो मिर्ची के सेल्स हेड निखिल टंडन, आरजे निधि, आरजे आलोक लोग मौजूद रहे। लिमरा न्यूज के लिए अंकित तिवारी की रिपोर्ट। स्वाति, थैंक यू सो मच। हेलो सर, पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बिकॉज सी आपको मैंने इवेंट्स में कई बार देखा है, बहुत सारे इवेंट्स में। आज मैं ऐसे इतने पास से देख पा रहा हूँ और मैं आज जो कहूंगा आपसे डायरेक्टली भी कह पाऊंगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बिकॉज सी कहाँ क्या हो रहा है और हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, मैं रेडियो मिर्ची से हूं, तो सूचना और उसका प्रसारण ये बहुत जरूरी है। और सूचना का जो प्रसारण है वो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी संस्कृति में जाए, अपने कल्चर में जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही शुरू हो गया था नारद जी से, और वो हमारे सबसे पहले सूचना प्रसारण के एक कर्ता धरता थे। और ये धीरे 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 शुरू हुआ और हर जगह मतलब सूचना इस तरह है। और हमारे साथ में सर भी हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश ना सिर्फ जिसको हम उसके कल्चर से जानते हैं, हम हमेशा जब भी बात करते हैं, हमने देखा कि हम हमेशा कहते हैं कि कल्चर या फिर भाई खाना बड़ा अच्छा है उत्तर प्रदेश का, बट मुझे लगता है कि अगर 360 डिग्री एंगल में हम जाएं तो हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने बहुत इतिहास रचे हैं। और न सिर्फ मतलब हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व लेवल पर वी हैव विश्वनाथ, हम विश्वनाथ की धरती को बिलोंग करते हैं, हम उस धरती को बिलोंग करते हैं जहां की भाषाएं बड़ी फेमस है। हम अगर ऐतिहासिक कवियों का जिक्र करें तो हम चाहे सूर का जिक्र करें, चाहे कबीर का जिक्र करें, तुलसीदास जी का जिक्र करें, बिहारी जी का जिक्र करें, सारी जो भी भाषाएं, ब्रज हमारी भाषा है, अवधि जिसमें इतना बड़ा महाग्रंथ लिखा वो हमारी भाषा है, भोजपुर अगर पूर्वांचल साइड का जिक्र करें तो वो हमारी भाषा है। तो हमारी अपनी भाषाओं को, हमारी अपनी संस्कृतियों को, हमारी अपनी एक पहचान है जो सबसे अलग है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाता हूं और हमसे पूछा जाता है कि आप कहां से हैं, तो आप कहा जाता है, अरे मैं कहता हूं कि मैं यूपी से हूं। सो सर, मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मतलब हम जैसे हम कभी महाराष्ट्र गए या हम कहीं पर भी गए तो जैसे अच्छा यूपी में तो भैया बहुत बोलते हैं। सो आई ऑलवेज लाइक कि भैया मतलब एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो भाईचारे का संदेश देता है, जहां पर आपको तू नहीं बोला जाता है, जहां पर आपको क्या ऐसे इस तरीके की भाषाओं से नहीं, तू तड़ाक नहीं, हमारे यहां क्या कहा जाता है कि
हम उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ आप पहले आपकी संस्कृति है, हमारे यहाँ एक भाईचारा है, हमारे यहाँ एक दोस्ती है, और इसीलिए ये जो एक कैंपेन भी है मेरा यूपी मेरा गौरव, और मुझे लगता है कि हर यूपी हाइट के लिए, हर उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है, जहां पर अलग अलग जोन्स पे लोग जाएंगे, अलग अलग जोन्स पर जाकर के अपील होगी, और ये जो प्राउड जिसको वो फील करते हैं, हम उसको और भी ज्यादा थोड़ा सा उस चिंगारी को आग में तब्दील कर पाएंगे, जिससे हमें ये जो सोया हुआ हमारे अंदर की एक फीलिंग है ये जाग जाए। सो हमारे बीच में यूपी और बिहार के कंटेंट हेड आफताब आलम है, और आफताब इन शॉर्ट मेरे बॉस भी, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा तालियां भी आप लोग बजाइएगा, क्योंकि यू नो बॉस का वेलकम इज वेरी नेसेसरी। ओके आफताब, प्लीज कम ऑन द डाइस। थैंक यू सो मच प्रतीक, ये अप्रेजल का टाइम नहीं है अभी, लेकिन खैर थैंक यू सो मच फॉर जस्ट एडमायरिंग हियर ऑन स्टेज। आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन हियर। आज का दिन भी बड़ा खूबसूरत है, कल बहुत ठंड पड़ रही थी लेकिन आज थोड़ा सा वार्म मॉर्निंग है, और इसलिए भी क्योंकि हमारे पास जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं वो भी अपने आप में बहुत ऑनरेबल हैं, और हम लोग बहुत आज गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो हम ये मेरा यूपी मेरा गौरव जो प्रोग्राम हम यहाँ पर आज से इनिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हुए एक कास्ट या वोट को अपील करने वाली है, जो कि आज की हमारी जरूरत है। तो मैं नवनीत सहगल साहब का स्वागत करना चाहता हूँ, रईस साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, धानुषवीर साहब यहाँ पर हैं, और एडिटर्स एंड कोलीग्स एंड मीडिया पर्सन जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उन सबका स्वागत मैं रेडियो मिर्ची की तरफ से यहाँ पे करना चाहता हूँ। अब कुछ इस इनिशिएटिव के पीछे थॉट प्रोसेस मैं बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने डिजाइन किया है कि क्या मकसद है कि हम ये मेरा यूपी मेरा गौरव कर रहे हैं, और हमने ये समय क्यों चुना है। वजह यह है कि जब आप अपने घर में होते हैं और अपने घर को अपना समझते हैं, और जब वो फीलिंग आपके अंदर होती है तो घर की हर छोटी छोटी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप घर रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या घर के लिए कोई सामान ला रहे हैं, तो आप तभी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे जब आप अपने घर से प्यार करेंगे, आप अपने घर के ऊपर गौरव महसूस करेंगे, फक्र महसूस करेंगे, तभी जाकर आप ये कर पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर आपके घर पे फ्रिज आनी है, टीवी आनी है, आप कहेंगे अरे ले आओ मुझे क्या करना है, या कोई कंस्ट्रक्शन है तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है करा दो, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होगा। लेकिन जिस समय इन्वॉल्वमेंट होगा तो हर एक वो चीज में आपकी राय होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट राय होगी, आपके इमोशन से जुड़ी होगी। हमारा मकसद ये था कि हम इसी इमोशंस को प्रदेश के जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं जो इस काबिल हैं कि वोट कर सकते हैं, उनके अंदर जगाएं, ताकि वो वोट के लिए आगे आए। क्योंकि वोट का प्रतिशत बहुत कम है बड़े बड़े शहरों में, अगर आप लखनऊ की बात करें, लखनऊ में वोट का प्रतिशत बहुत कम है, और इस बार जिस तरह से हमने वोटिंग की बात की है तो इलेक्शन कमीशन भी चाह रहा है कि अब की बार 70 पार, तो हम भी चाह रहे हैं 70 क्यों, हम तो कह रहे हैं 99 तक पहुंच जाए, ताकि हर वो इंसान जो वोट दे सकता है, कुछ लोग नहीं भी दे सकते अपने पर्सनल रीजन से, तबीयत खराब हो सकती है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन वो उस दहलीज तक जाए जहां पर वो वोट दे सके, और इसके लिए उसे इस प्रदेश पर गर्व होना बहुत जरूरी है, वो महसूस करे, फक्र महसूस करे। तो जब वो फक्र महसूस करेगा तो अपने दायित्व को भी समझेगा, और जब दायित्व को समझेगा तो वोट देने जरूर जाएगा। यही मकसद है, क्योंकि यूपी एक इतना बड़ा स्टेट है जिसमें कि किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास खूबसूरत नदियां हैं, लहलहाते खेत हैं, तेज रफ्तार दौड़ती हुई सड़कें हैं, एक समय था सड़कें भी नहीं थी, दिक्कतें होती थी, लेकिन ओवर द टाइम चीजें बहुत अच्छी हो गई। आज एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, जब ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने लगती हैं तो आपके अंदर एक गर्व महसूस होने लगता है। उस गर्व को महसूस करके आप अपनी जिम्मेदारी को भी आपको महसूस करनी है, जब आप जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो और ज्यादा अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और शायद इस प्रदेश के लिए और ज्यादा सोच पाएंगे, इस प्रदेश के तरक्की में खुशहाली में आपका एक लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। वैसे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर वे में जो भी इंसान यहां पर खड़ा है वो किसी ना किसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे वो छोटा सा ड्राइवर हो या सफाई वाला हो, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रदेश को चमकाने में, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, और इस प्रदेश की आर्थिक दशा को ठीक करने में, और यहाँ पे खुशहाली लाने में। आई थिंक वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आर स्टेट उत्तर प्रदेश। एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि मेरा यूपी मेरा गौरव ये इनिशिएटिव हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये यहाँ पे शुरू किया है। दैट्स एन इनिशिएटिव बाय रेडियो मिर्ची, और जैसा आप सबको मालूम है जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ही है रेडियो मिर्ची, और इसी तरह से आप हमें प्यार इस तरह से देते रहिए, और इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि वो सारे लोग जो वोट देने की उम्र तक पहुंच गए हैं वो वोट देने निकले, और हमारे इस प्रदेश पर
गर्वान्वित महसूस करें, गर्व महसूस करें। बस इसी के साथ मैं स्वाति आपको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि सर का टाइम भी बहुत कीमती होगा। ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू द इवेंट, मैं आप सभी से एक छोटा सवाल करना चाहती हूँ। सवाल ये है कि, और मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब थोड़ा सा लाउडली आए, ताकि जितने भी लोग हैं सब तक वो बात पहुंचे। आर यू प्राउड ऑफ उत्तर प्रदेश? मुझे आवाज नहीं आई। आर यू? यस। ये जो आवाज आई है ना, दिस इज वॉट मैं भी बहुत प्राउड हूं कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, बिकॉज यहाँ की सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। और मैं रेडियो मिर्ची के लिए एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है, द इनिशिएटिव दे हैव टेकन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत सारे लोग ये चीज इग्नोर कर देते हैं कि वोट देना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है हम नहीं रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट इन दिस कंट्री टू गिव देयर वोट। एंड मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक जोरदार तालियों के साथ नवनीत सहगल सर, जोरदार तालियां प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी रही सिंह सर का, ओएससी 2 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए सर का। Now for the felicitation, I would like first to request Aftab sir to please be on stage and felicitate sir with bouquet. Can we have a huge round of applause please? Thank you. Now I would like to request, can we have a huge round of applause please? Now I would like to request Vice President Times Group Dhanush Singh sir to felicitate with Chaur to our dignitaries. Sir, idhar wal dekh liya. Sir, idhar. Ek minute. Next time. Can we have a huge round of applause? It's zordar taaliyan hote hain. Now, I'd like to request please Mirchi Lucknow, Nikhil Tandon sir to please be on stage and felicitate with Ang Vastr. Can we have a huge round of applause for Nikhil sir? Exhorta Taliyah to everyone. Thank you. Sir, idhar dekh ke sir. Ji. Can we have a huge round of applause? Ab main request karna chahungi Navneet Sehgal sir se ki hamari janta se baatcheet kare. So, over to you. आज के इस कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता हैं धनुष वीर जी, आफ्ताब जी और निखिल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का हमारे सारा स्टाफ, हमारे एडिटर्स, थैंक यू सो मच। ये हम सब लोगों का एक संवैधानिक कर्तव्य है, एक सामाजिक कर्तव्य है, जिसको कि मुझे बड़ी खुशी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आगे आया, क्योंकि जैसा बताया इलेक्शन कमीशन का भी ये जो डाटा है, यहाँ बहुत कम पोलिंग होती है, वोट डालने लोग कम निकलते हैं वैसे भी। तो ये एक अभियान, एक कैंपेन एक चलाने की आवश्यकता, इंडिपेंडेंट सोर्स है। सरकार तो अपनी तरफ से सबको अपील करती है कि भाई आप आइए, निकलिए, वोट डालिए, बट एक जब इस तरह की संस्थाएँ आगे आती हैं और एक वोट की अपील करती हैं, और उसके साथ आप एक अपने जो आपका प्रदेश है उसको आप अपना गर्व महसूस करते हो, उस गर्व को अगर आप, जैसा अभी आफ्ताब ने बड़ा अच्छा कहा कि जब आप अपने प्रदेश पर, अपने शहर पर गर्व महसूस करेंगे, तभी आप अपना दायित्व भी समझेंगे कि हाँ मुझे ये गर्व जो है मेरा, जो मुझे जो आज की स्थिति जो मुझे एक अच्छा लगता है कि हाँ
मैं बाहर के प्रदेश में जाके भी कह सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उसको और आगे कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो आपका संवैधानिक दायित्व है कि जाकर आप वोट करें, उसको भी आप निभाएंगे। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने लिया है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपका धनुष जी और आपकी पूरी टीम को कि ये पूरे प्रदेश में आपका ये अभियान चलेगा। यू शुड ऑल फील प्राउड ऑफ आवर सिटी, आवर स्टेट, एंड देन ओनली वी कैन नो मूव अहेड एंड ऑल्सो एनकरेज अदर्स। दूसरों को भी हम कहें कि भाई देखो ये हमारा प्रदेश कितना अच्छा, कितनी अच्छी प्रगति कर रहा है, कितना अच्छा आगे बढ़ रहा है, इसको हम और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Can we have a usual applause? Now would like to request Rahee sir to have some words with the audience. Thank you. थोड़ा पदर्शित करो। धनुषवीर जी आदरणीय धनुष शर्मा जी, जो बातें अभी यहाँ कही गई, देखिए सबसे पहला हमको ये फील करना चाहिए कि हम एक नागरिक हैं। अगर हम नागरिक हैं तो उस नागरिक का एक सबसे बड़ा दायित्व तो है कि वो अपना वोट करे। दूसरा, हमें इस प्रदेश के अंदर जो इसकी वैल्यूज और वर्चूज थी उसमें जितना वैल्यू एडिशन किया है, हम उसको इतने गौरव के साथ फील करते हुए, महसूस करते हुए, अपने नागरिक दायित्व का, अपने संवैधानिक दायित्व का अगर एक पूरी तरह से उसको आत्मसात करते हुए वोट करें, अधिकतम वोट करें और एक बेहतर सरकार बनाएं, बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएं और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अपने जो फीलिंग्स हैं उनको व्यक्त करें, उनको शेयर करें। और इस उद्देश्य से जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जो हमारे कलीग्स हैं, ये सब इसको बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर एक के अंदर एक धड़कन जरूर पैदा होगी और उसमें आपका जो योगदान है वो अतुलनीय होगा। हम सब इसके आभारी होंगे। कोशिश है आपकी, बहुत अच्छी कोशिश है, मैं इससे बड़ा गौरव की अनुभूति करता हूं। और ये जो फीलिंग है कि हम इस प्रदेश के वासी हैं, इस धरा, इस मातृभूमि को हम इस रूप में और इसके जरिए आने वाली सरकार को कितना बेहतर बना सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रही सिंह साहब, ओएसडी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ओवर टू स्वाति। नाउ इट्स टाइम फॉर द फ्लैग ऑफ, एंड फॉर द फ्लैग ऑफ वी हैव डिग्निटरीज अमंग अस जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और वो यहाँ पे उपस्थित हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऑनरेबल नवनीत सहगल सर से कि वो फ्लैग ऑफ के लिए आए, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी रही सिंह सब को, एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। हम लोगों को लगा कि ना केवल लखनऊ में हम लोगों ने ये 7-8 गाड़ियाँ, नवनीत सर के पास रूट मैप है, लखनऊ से अगले 8-10 दिन तक यूपी के हर शहर रेडियो मिर्ची की टीम के साथ, वीडियो टीम के साथ ये गाड़ियाँ चलेंगी, अलग अलग जगह पे रुकेंगी और लोगों से बातचीत, और ये रिकॉर्ड करेंगी। और सबसे दो चीज़ों का मेन इस इनिशिएटिव का एम्फेसिस है कि हम यूपी के हैं, हमारे को अपने यूपी में होने का, रहने का कितना गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया। पहले जब रोड, कई बार ये बात होती थी कि जहाँ से खराब रास्ता शुरू होता है वो यूपी होता है, अभी उल्टा हो गया, जहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होता है वो यूपी। एंड द राइट टू वोट, जैसे रही साहब ने कहा कि अगर हम सही में, इफ वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट, इफ वी आर रिस्पॉन्सिबल, देन वी मस्ट ऑल्सो डू दी एक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल वोटिंग, एंड देयरफॉर वी विल ऑल बी एबल टू ड्रीम फर्दर। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने रोड बनने के, बहुत कुछ होने के साकार हुए, लेकिन अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल वोटिंग करेंगे, निकलेंगे और इस कोविड प्रोटोकॉल के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ये ना केवल लखनऊ बट ये गाड़ियाँ यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रूट पे चलेंगी और इस अवेयरनेस को फैलाने का काम। मेरे साथ में इस वक्त नवनीत सहगल साहब हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं DIPR, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप। सो सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, बिकॉज सी यहाँ पर बात हो रही है मेरा यूपी मेरा गौरव, सर आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये तो मतलब मुझे सुपर हिट बनाती है?
हमारा एक बहुत ही सर, ये जो TUI की तरफ से एक मतदाता जागरूक अभियान रखा गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है एक समाचार पत्र समूह द्वारा, और ये रेडियो मिर्ची द्वारा एक बहुत ही एफर्ट, अच्छा एफर्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो वोट का प्रतिशत है वो लखनऊ जैसे शहर में भी 60% से बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, तो लोगों को ये प्रेरित करना कि आपको अगर अपने अपने प्रदेश पे गर्व है, आपको अपने प्रदेश की तरक्की पर गर्व है, तो आप जाइए, जाकर वोट करिए। वोट करना एक आपका संवैधानिक दायित्व है, आपको एक नागरिक की तरह से आपको एक दायित्व है आपके ऊपर। आप जाइए, अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप अपना उम्मीदवार उसको सेलेक्ट करिए और वोट करिए। वोट करना के लिए लोगों को जागरूक करना एक अच्छा प्रयास है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, अपना वोट का मताधिकार का उपयोग करें। उसी के क्रम में ये एक अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा अभियान है। कैसा लग रहा है आपको अभियान के कि ये इवेंट कहाँ तक कारगर साबित होगा? नहीं, बहुत अच्छा होगा, ये सब प्रचार में जाएगा, लोगों को प्रेरित करेगा कि भाई आप निकलिए, जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करिए, आपका संवैधानिक अधिकार है, आपको वोट करना चाहिए। तो इससे अच्छा फर्क पड़ेगा, देखिए उम्मीद करते हैं इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा।